सुप्रभात, स्वागत है आप सभी का। दिनांक 13 अप्रैल 2020, दिन सोमवार। आज की इस कक्षा में हम आरंभ करेंगे हिंदी पाठमाला मधुप में संकलित पाठ एक जागरण गीत, जो कि एक कविता है और यह कविता सोहन लाल द्विवेदी द्वारा रचित है। कविता आरंभ करने से पहले हम कवि के बारे में चर्चा करेंगे बेटा, उनका जीवन परिचय के विषय में जानेंगे। तो देखिए, हिंदी के सुप्रसिद्ध कवि सोहन लाल द्विवेदी का जन्म 1906 में हुआ। देशभक्ति से ओतप्रोत रचनाओं के कारण, ओतप्रोत मतलब भरी, इन्हें राष्ट्र कवि की उपाधि से अलंकृत किया गया। द्विवेदी जी ने बालोपयोगी, मतलब बालकों के लिए जो उपयोगी होती हैं, बालोपयोगी साहित्य लिखा, जिसमें प्रमुख हैं बांसुरी, बच्चों के बापू, चेतना, दूध बताशा, बाल भारती, शिशु भारती, नेहरू चाचा, सुजाता, प्रभाती आदि। जागरण गीत कविता का उद्देश्य क्या है? आखिर यह कविता कवि ने क्यों लिखी? इसके पीछे क्या कारण था? अब हम उसके विषय में चर्चा करेंगे। जागरण गीत कविता लिखने के पीछे कवि का उद्देश्य यह है कि यह एक प्रेरक कविता है जो दूसरों को प्रेरणा देती है। वह कविता क्या कहलाती है? प्रेरक कविता। तो यह जो जागरण गीत कविता है बेटा, यह एक प्रेरक कविता है जो दूसरों को प्रेरणा देती है। किस चीज की? जिसके द्वारा कवि आलस्य में पड़े, निराशा के अंधकार में डूबे, विपरीत परिस्थितियों से घबराए, मतलब कठिनाइयों से घबराए, वो कल्पना में खोए लोगों में जागृति का संचार करना चाहते हैं। यह है कविता का उद्देश्य। तो आगे हम शुरू करते हैं कविता का सारांश। तो चलिए बेटा आगे सारांश देखते हैं। अपना गहरी नींद में तुम सो सकोगे, गीत गाकर मैं जगाने आ रहा हूं। अतल अस्ताचल तुम्हें जाने न दूंगा, अरुण उद्याचल सजाने आ रहा हूं। कल्पना में आज तक उड़ते रहे तुम, साधना से सिहर कर मुड़ते रहे तुम। अब तुम्हें आकाश में उड़ने न दूंगा, आज तुम्हें धरती पर बसाने आ रहा हूं। अब न गहरी नींद में तुम सो सकोगे, यहाँ पर कवि कहते हैं कि अब मैं तुम्हें गहरी आलस्य की नींद में नहीं सोने दूंगा, क्योंकि गीत गाकर मैं जगाने आ रहा हूं। मैं अपने जागरण गीत द्वारा तुम्हें जगाने के लिए आ रहा हूं, तुम में नया उत्साह भरने के लिए आ रहा हूं। अतल अस्ताचल तुम्हें जाने न दूंगा। अतल मतलब बेटा क्या होता है? गहराई। अस्ताचल, अस्ताचल मतलब होता है पतन या विनाश या बर्बादी, या फिर पश्चिम का वह कल्पित पर्वत जहां सूर्य का अस्त होना माना जाता है। उसी प्रकार उद्याचल का अर्थ क्या होता है? विकास। पूर्व का वह कल्पित पर्वत जहां सूर्य अस्त होता है। अब आप अर्थ देखिए, कवि यहां कहते हैं कि मैं तुम्हें बर्बादी के, तुम्हारे जीवन को बर्बादी या विनाश के गहराई में नहीं जाने दूंगा। कहां नहीं जाने दूंगा? मैं तुम्हें विनाश की गहराई में, तुम्हारे जीवन को नहीं जाने दूंगा, बल्कि तुम्हारे जीवन में विकास के नए नए मार्ग लेकर आऊंगा, नए नए रास्ते, नई नई खुशियां, नया विश्वास तुम्हारे अंदर सजा दूंगा, जिससे कि तुम
विकास के मार्ग पर अग्रसर होते रहोगे। एक बार दोबारा देखिए बेटा, अब न गहरी नींद में तुम सो सकोगे कि अब तुम गहरी नींद में आलस्य की नींद में नहीं सो सकते, क्योंकि मैं तुम्हें अपने जागरण गीत द्वारा, उत्साह के गीत द्वारा जगाने के लिए आ रहा हूँ, और मैं तुम्हें पतन की, बर्बादी की गहराइयों में नहीं जाने दूंगा, बल्कि तुम्हारे जीवन को नए विश्वास और नए विकास के मार्ग की ओर लेकर जाऊंगा। आगे देखिए बेटा, कल्पना में आज तक उड़ते रहे तुम। आज तक तुम्हारा जो जीवन था वो किस पर आश्रित था? कल्पनाओं पर। तुम हमेशा क्या करते रहते थे? नए नए सपने देखते रहते थे, कल्पनाएं करते रहते थे। केवल साधना से सिहर कर मुड़ते रहे तुम, और तुम हमेशा परिश्रम से घबरा कर भागते रहे, उससे पीछे हटते रहे। परिश्रम के मार्ग से हमेशा क्या करते रहे? घबरा कर। सिहर कर का अर्थ होता है बेटा घबरा कर, पीछे भागते रहे। लेकिन अब मैं क्या करूंगा? अब तुम्हें आकाश में उड़ने न दूंगा, लेकिन अब मैं तुम्हें कल्पना के लोक में विचरण नहीं करने दूंगा। मतलब क्या है कि अब मैं तुम्हें कल्पनाएं नहीं करने दूंगा, खाली सपने ही नहीं देखने दूंगा, बल्कि उन्हें पूरा करने के लिए तुम्हारे अंदर उत्साह भी भर दूंगा। आज तुम्हें धरती पर बसाने आ रहा हूं, और अब मैं तुम्हें जीवन की वास्तविकताओं से अवगत कराने के लिए आ रहा हूं। एक बार दोबारा देखिए कि आज तक तुम अपने जीवन में केवल कल्पनाएं करते रहे, केवल सपने देखते रहे, लेकिन उन्हें पूरा करने के लिए तुमने आज तक कोई भी परिश्रम नहीं किया, बल्कि तुम परिश्रम से घबराकर हमेशा भागते रहे। अब मैं तुम्हें इन कल्पनाओं के, सपनों के लोक में नहीं विचरने दूंगा, नहीं घूमने दूंगा, बल्कि तुम्हें जीवन की वास्तविकताओं से अवगत करवाऊंगा, ताकि तुम आगे विकास का मार्ग की ओर अग्रसर हो सको। बेटा ये शब्दार्थ आप अपनी नोटबुक में कर लीजिएगा। इस पाठ से संबंधित अन्य पद्यांश हम अगले वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।